पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पाकिस्तान की हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो आज कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे। कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान एक घंटा भी भारत के सामने नहीं टिक सकता और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के इस कुकृत्य से पूरा देश गुस्से में है। अब ये देश हित का मामला है, जाति हित का मामला नहीं है और न ही इस पर कोई राजनीति कर सकता है। हमारी पार्टी पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ है। हम सब चाहते हैं कि इसका जवाब केंद्र की सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ दे। देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमलों पर बोलते हुए कहा कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सिर्फ कार्रवाई न हो, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए और जब तक केंद्र में कांग्रेस ने शासन किया तब तक पाकिस्तान बिल्ली बनकर रहा। ये पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण काम किया है और अब तो शेर को अपना काम दिखाना होगा। कि कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया गया है पाकिस्तान की घिनौनी साजिश के तहत, ये पाकिस्तान का कायराना कदम है, कायरपू कदम है। अगर मैं कहूं कि इसकी निंदा करते हैं हम लोग या कांग्रेस पार्टी, तो ये छोटा शब्द होगा। आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारा एक एक कार्यकर्ता पाकिस्तान के इस कुकृत्य से दुखी ही नहीं है बल्कि गुस्से में है, आक्रोश में है। पूरा देश गुस्से में है और इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि हम देश सरकार और सेना के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी दलगत भावना से ऊपर उठ करके, ये देश का मामला है, ये हमारे राष्ट्र का मामला है, ये जाति धर्म का मामला नहीं है। कब तक ये होता रहेगा? कब तक हमारी बहनों के माथे से सिंदूर हटता रहेगा, उजड़ता रहेगा? बच्चे यतीम होते रहेंगे, हमारी बहने बेवा होती रहेंगी। अब ये देखा नहीं जाएगा। इसका जवाब हमारी सरकार को, केंद्र की सरकार को देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए कि जो दुनिया में मिसाल हो। कांग्रेस पार्टी और सारे देश के लोग उनके साथ। सर, पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। जिस तरह से शहीदों के शव वापस आए हैं, हर शहर में लोगों की आंखें नम है। लोगों की मांग है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, क्या आप मानते हैं? कांग्रेस पार्टी क्या इस बारे में अपनी राय रखती है? शायद आपने नहीं ध्यान दिया, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, मैं भी आपके सामने बोल गया। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरा बैकग्राउंड आर्मी है, मेरा तो उनसे जो मारे गए, मेरा तो एक रिश्ते नहीं कई रिश्ते हो गए ना, एक संबंध नहीं कई रिश्ते हो गए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं, मैंने तो कहा कि सरकार जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पूरी तरीके से साथ में सैनिकों, देश के साथ, राष्ट्र के साथ और सरकार के साथ खड़ी है। पुलवामा की घटना के बाद में जिस तरह से कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष के खिलाफ नहीं। जो दोषी हो उसको कार्रवाई भर छोटी से छोटा शब्द है, सख्त से सख्त सजा दी जाना चाहिए। क्या इसके बाद में क्या माहौल बदला है, क्या क्या चेंजेस आए हैं? किस मामले में? पुलवामा की घटना के बाद में कितना किस मामले में चेंजेस आए, किस तरह की राजनीति है? हम राजनीति में इसको नहीं लाना चाहते हैं। ये राजनीति का मामला आप कह रहे हैं, राजनीति का मामला नहीं, देश का मामला है। हमारे जवानों के खून का मामला है, हमारी बहनों के बेवा और उनके माथे का सिंदूर उजड़ने का मामला है, हमारे बच्चों का, हमारे बहनों के बच्चों के यतीम होने का मामला है। ये राजनीति का मामला नहीं है। अगर राजनीति का मामला होता तो हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के साथ, जवानों के साथ, सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ी है। जब हम चौथी बार मैं कह चुका कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम
सेना के और सरकार के साथ में है तो राजनीति कहाँ से आ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अभी एक जवाब आया है कि अगर भारत जो हमला करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब। देखिए ऐसा ही आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। एक घंटा नहीं टिक सकता। मैं ये नहीं कहता कि क्या करना, ये फैसला सरकार को लेना है, ये मुझे नहीं लेना है, ना कांग्रेस पार्टी को लेना है, सरकार को लेना है। कांग्रेस पार्टी पहले कह चुकी हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान किसी देर टिकेगा भारत के सामने, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, 2019 लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा में एक गठबंधन हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अन्य राजनीतिक दल उनसे घबराए हैं जैसा कि वो दावा करते हैं, किस तरह की तैयारी कांग्रेस की है और खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां आप इस वक्त हैं? देखिए कौन क्या कहता है इससे कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में है, पूरे जोश के साथ तैयारी में है। अभी आपने 11 फरवरी का जो लखनऊ का रोड शो हुआ आपने नहीं देखा होगा, तो आपके रिपोर्टर ने भेजा होगा, सामने नहीं देखा होगा जो टीवी में देखा होगा। प्रियंका जी के पहुंचने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहुंचने के बाद, सिंधिया जी के पहुंचने के बाद, यानी क्या पैर रखने की जगह थी 25 किलोमीटर तक? अभी इसके बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है और ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पूरा तो बाकी है। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस लेना क्या पर्याप्त है? ये सरकार का मामला है भाई, जो देश हित में वो करे। अच्छा, देश की सुरक्षा के लिए जो करे, जो जो हमारे जवानों के बदला लेने का, खून का बदला लेने का है वो करे। हमें ये सवाल मेरे इतना बोलने के बाद बनता नहीं भाई। हुकूमत की है कितने साल हुकूमत की है कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों चौकियों में पाकिस्तान के कब्जा करने का काम किया। 1961 का उठा करके देख लीजिए, उसके बाद बांग्लादेश का देख लीजिए, उसके बाद राजीव जी का देखिए, इंदिरा जी का देखिए। कांग्रेस के समय हिम्मत नहीं होती, बिल्ली बन के रहा है पाकिस्तान और बिल्ली बन के ही रहता। अब क्या शेर बना जी? अब क्या शेर बना? शेर नहीं है ये, कायरता कायरता है ये। शेर शेर कायर, शेर कहाँ कायर होता है? शेर तो अब दिखाएगा ना, शेर तो अब अपना काम दिखाएगा ना।